જનમંચ સત્યનો અવાજ ન્યૂઝ ચેનલ ઉપર દર્શક મિત્રોનો અતૂટ વિશ્વાસમાં વધારો થતા 26 મહિનામાં 56 લાખ વ્યૂઝ મેળવીને નંબર 1 સ્થાન યથાવત રાખતા આભાર. ગયા હૈ 5મી સૂચિ ઓર 6મી સૂચિ કા ઉસકે પીછે જો ભારત સરકાર કા યા સંવિધાન બનાને વાલે કા યે ઉદ્દેશ્ય થા કે હમારે દેશ મેં રહેને વાલે જનજાતિ કે લોગો કે અધિકાર કા રક્ષણ હો ઉનકો મૂળભૂત સુવિધા ઉપલબ્ધ કરાઈ જાય ઉસ ઉદ્દેશ્ય સે યહ પ્રાવધાન ભારત કે સંવિધાન મેં રખા ગયા હૈ ઓર મહોદય પ્રાવધાન કે તહેત ઓટોનોમસ કાઉન્સિલ ભી રખી ગઈ, એડવાઇઝરી કાઉન્સિલ ભી રખી ગઈ, જીસમે મેજોરિટી જો સદસ્ય હૈ અનુસૂચિત જનજાતિ કે લોગ હો પ્રતિનિધિત્વ કરે ઓર વહ ચર્ચા કરે કે આદિવાસીઓ કે હિત કે લીએ ક્યા ક્યા કાર્યવાહી કરની ચાહીએ વો સારે પ્રાવધાન 5મી સૂચિ ઓર 6મી સૂચિ મેં રખે ગયે હૈ. મેં જાનના ચાહતા હું માનનીય મંત્રી મહોદયા સે કે જો ક્ષેત્ર એસે હૈ જહાં પર યહ કાનૂન લાગુ નહીં કિયા ગયા ઉસકી તુલના મેં જો ક્ષેત્ર એસે હૈ જહાં યહ કાનૂન કો લાગુ કિયા ગયા ઉસકો ઉસ ક્ષેત્ર મેં હમે ક્યા પરિણામ દેખને કો મિલા, ક્યા સરકાર ને કુછ એસા આંકલન કિયા હૈ ઓર ઉસકા પરિણામ સ્વરૂપ ક્યા હમે દેખને કો મિલા હૈ યહ મેં માનનીય મંત્રી મહોદય સે જાનના ચાહતા હું. માનનીય અધ્યક્ષ મહોદય, जनजाति मंत्रालय देश के 10.5 करोड़ आदिवासियों के शिक्षा, स्वास्थ्य, विकास, उत्थान और संवैधानिक हितों की सुरक्षा के लिए बहुत गंभीर है. जहां तक दादरा नगर हवेली केंद्र शासित राज्य का प्रश्न है, मैं माननीय सदस्य को आपके माध्यम से बताना चाहती हूं कि 5वीं अनुसूची भारत के संविधान के अनुच्छेद 244(1) के भाग ग में इस बात का प्रावधान है कि देश के माननीय राष्ट्रपति जी के आदेशानुसार संबंधित राज्य के राज्यपाल के प्रस्ताव के आधार पर जनजाति मंत्रालय उसकी जांच पड़ताल करती है. इसके बाद महापंजीयक और जो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग है इनकी सहमति के पश्चात हम मसौदा मंत्रिमंडल के लिए भेजते हैं और जितने भी संबंधित अंतर मंत्रालय हैं उनके मंजूरी के बाद संवैधानिक आदेश के लिए माननीय राष्ट्रपति जी के पास भेजा जाता है और ये अधिकार राष्ट्रपति जी और राज्यपाल जी के पास है. जहां तक माननीय सदस्य ने ये कहा है कि जहां पर 5वीं अनुसूची और 6वीं अनुसूची लागू है उन राज्यों में और जहां पर लागू नहीं है ऐसे राज्यों में वहां के आदिवासियों को क्या सुविधा मिलती है, तो जहां पर 5वीं अनुसूची और 6वीं अनुसूची लागू है वहां पर जो जनजाति समाज के लोग हैं उनको विशेष अधिकार प्राप्त है. वहां पर जो आदिवासियों की जमीन है, आदिवासियों की जमीन गैर आदिवासी नहीं खरीद सकते और वहां पर जो त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव होते हैं वहां पर आदिवासियों को आरक्षण दिया जाता है और उनके कई प्रकार के जो संवैधानिक अधिकार हैं उनकी रक्षा होती है. माननीय सदस्य महोदय, दादरा नगर हवेली केंद्र शासित प्रदेश है सर और वो सीधे केंद्र के अधीन आता है और साथ साथ दादरा नगर हवेली सर बाहुल्य आदिवासी क्षेत्र है. मंत्री महोदया ने अपने आंसर में ये कहा गया है कि वहां दादरा नगर हवेली से कोई प्रपोजल आई नहीं है. सर, केंद्र शासित प्रदेशों में ये पूरे केंद्र शासित प्रदेश भारत सरकार के अधीन आते हैं, सारे कानून वहां लागू किए जाते हैं और वहां कानून लगाने के लिए कोई प्रपोजल की जरूरत नहीं होती है. ये सीधे भारत सरकार की जिम्मेदारी है कि वहां पर कानून लगाया जाए. तो मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि दादरा नगर हवेली केंद्र शासित प्रदेश से भारत सरकार के अधीन आता है, सीधे कानून वहां लागू होते हैं, सीधे कानून को लागू किया जाता है, तो क्या दादरा नगर हवेली में ये 5वीं और 6वीं सूची सीधे लागू करने का काम भारत सरकार करेगी?
माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय सदस्य को आपके माध्यम से ये जानकारी देना चाहती हूँ कि दादरा नगर हवेली जहाँ पर आदिवासियों की जनसंख्या लगभग 52% है और दादरा नगर हवेली को लेकर हम भी बहुत गंभीर हैं। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगी कि संबंधित हमारे जो सांसद जी हैं वो राज्यपाल जी के माध्यम से हमारे जनजाति मंत्रालय को प्रस्ताव भेजें और मंत्रालय हमारे विचार करेगा। क्वेश्चन नंबर 186